जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। साथियों, हमने जो मुहिम शुरू कर रखी थी उसके साथ साथ हमने कहा था कि हम पढ़ाई जारी रखेंगे, तो आज हम 3 सितंबर का जो करंट अफेयर का वीडियो है उसको लेकर के उपस्थित हुए हैं। तो 3 सितंबर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूँ, उसमें पहला क्वेश्चन है कि वाइस एडमिरल SR शर्मा ने भारतीय नौसेना में किस पद का कार्यभार संभाला है। यानी कि जो SR शर्मा है, इन्होंने अभी एक भारतीय नौसेना में अपना पदभार संभाला है, उस पद का नाम है सामग्री प्रमुख पद। यानी कि कौन सा पद संभाला है साथियों, तो इन्होंने पद संभाला है वो है सामग्री प्रमुख का। कब संभाला है साथियों, तो SR शर्मा ने 1 सितंबर 2020 को पद संभाला है और इन्होंने IISc बेंगलोर से कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अगला क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस शहर में स्थित महाकालेश्वर मंदिर के शिवलिंग के संरक्षण के लिए मंदिर में पंचामृत चढ़ाने से रोक लगा दी है। यानी कि वो कौन से शहर का मंदिर है, तो साथियों है उज्जैन का मंदिर, उज्जैन MP में है। तो उज्जैन शहर का मंदिर महाकालेश्वर मंदिर है जहाँ पर रोक लगा दी गई है। साथियों, रोक लगाने का फैसला लेने वाले जस्टिस है, उसका नाम है साथियों अरुण मिश्रा। और एक यहाँ से मैं लेटेस्ट क्वेश्चन और जोड़ रहता हूँ साथ में कि हाल ही में रिटायर्ड होने वाले जस्टिस कौन है, तो हाल ही में रिटायर्ड होने वाले जस्टिस भी अरुण मिश्रा है। और पंचामृत की जगह पर शुद्ध दूध चढ़ाने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आपकी स्क्रीन पर कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने साल के इतिहास में पहली बार साल का वार्षिक महासभा का सत्र ऑनलाइन माध्यम से आयोजित किया जा रहा है। साथियों, संयुक्त राष्ट्र संघ के ये 75 साल का इतिहास है जिसमें पहली बार ऑनलाइन माध्यम से सत्र की सभा होगी, जिसमें 26 सितंबर को हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी इसको संबोधित करेंगे, कर सकते हैं, इनकी ये खबर है। साथियों, अगला क्वेश्चन है कि सेरेना विलियम्स ने टूर्नामेंट में रिकॉर्ड कौन सी जीत दर्ज की जिसके साथ ही वह सबसे ज़्यादा मैच जीतने वाली खिलाड़ी बन गई है। तो सेरेना विलियम्स ने आज तक अपने टूर्नामेंट में 102 जीत हासिल कर चुकी है, यानी कि 102वीं जीत हासिल करते ही ये सबसे अधिक मैच जीतने वाली खिलाड़ी भी बन चुकी है। अगला क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 आज का कि लापता विवादों के पीड़ितों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस की तिथि कौन सी है। इनकी लापता होने वाले जो विवाद है उनसे पीड़ित लोगों का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है उसकी तिथि क्या है, तो उसकी तिथि साथियों हमारी 30 अगस्त। तो साथियों, ये क्वेश्चन के भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, वह है कि किस देश ने एग्री ऑटो ई मार्केट प्लस लॉन्च किया है। साथियों, ये एक व्यापार से संबंधित है, एग्री ऑटो ई मार्केट प्लस, तो यह आपने लॉन्च करने वाला देश है संयुक्त अरब अमीरात, यानी कि UAE। इसका उद्देश्य क्या है साथियों, उद्देश्य पूछ सकता है, तो गरीब किसानों और UAE के खाद्य उद्योगों में अंतर को कम करना, ये इनका मुख्य उद्देश्य है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में नियुक्त लोकसभा सचिव का नाम क्या है, तो उनका नाम है कुलपत कुमार, जो उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव है। साथियों, आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच।